पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिलाधिकारी मुरादाबाद के साथ पुतलीघर रोड बनाओ अभियान समिति के सदस्यों ने बैठक की। बैठक में समिति द्वारा पुतलीघर रेलवे लाइन को हटाकर रेलवे के सेकेंड गेट से पुतलीघर तक सड़क बनाने के संबंध में रेल प्रशासन और जिलाधिकारी तहसीलदार मुरादाबाद और समिति के सदस्यों ने अवगत कराई। संयुक्त बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि रेल प्रशासन से अपना पक्ष रखते हुए जमीन के बदले जमीन देने की बात तय हुई। जिलाधिकारी और तहसीलदार मुरादाबाद के अनुसार 15 दिन के अंदर कथित जमीन से संबंधित समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए। अगली संयुक्त बैठक के लिए 15 दिन के बाद आयोजन करने के आदेश दिए गए। बैठक में समिति के यशपाल सिंह यादव, आरडी राम, एसपी शर्मा, नरेंद्र चौधरी, अनुपेंद्र सिंह ऋषिपाल, ओम प्रकाश चौधरी, हरपाल सिंह, देवराज सिंह चौहान, विजयपाल सिंह के साथ और भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। डीएम साहब ने रेलवे एवं तहसीलदार सबको संयुक्त एक बैठक की सबको लेकर, जिसमें हमें पुतलीघर रोड बनाओ अभियान समिति के सभी पदाधिकारियों को बुलाया था। उसमें हम लोगों ने रेल खराब सड़क पड़ी है उसके स्थान पर पक्की सड़क बनाने के लिए संबंध में बात रखी। तो क्या आश्वासन मिला है अब शासन? डीएम साहब ने रेलवे को पूछा, रेलवे की फाइल देखी। 15 दिन के अंदर अंदर मुझे ये जमीन का पूरा ब्यौरा चाहिए, और इस जो कि हम रेलवे को अपनी जमीन उस जमीन के बदले में हम देने को तैयार हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। वो 15 दिन के अंदर अंदर देनी है, और उसमें जो भी हमारा काम रुका हुआ है उस काम को तुरंत पूरा करो।